हाँ जी, तो शुरुआत कर देते हैं अपने इस अधिनियम की। उससे पहले ये कुछ अनाउंसमेंट आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, नहीं जानते तो आपको पता है एनडीए एसएससी साथ में यूपीएससी कुछ एक क्लासेस फ्री है, सो दैट यू कैन अवेल ऑन सफलता.com। साथ में कुछ ई बुक्स मैगजीन इत्यादि वो भी मिलेंगी आपको, और साथ में मॉक टेस्ट, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं सफलता पर। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपना आज के सेशन की, जहाँ पर पढ़ेंगे हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। देखिए आज के टाइम पर अगर हम बात करें, एक जमाना था दुनिया अलग तरीके से चलती थी, आज के टाइम पर दुनिया अलग तरीके से चलती है। जैसे कि कोई भी काम, जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब एक टाइम था जब पहले आपको बैग लेके जाना है, कहाँ पर दिल्ली आओगे कोचिंग करने के लिए, यूपी में तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, ग्राम में बैठ करके आप नहीं पढ़ सकते। समय बदला, समय बदलने के साथ टेक्नोलॉजी आई, तकनीक आई, लेकिन पता है क्या होता है, जैसे ही तकनीक आती है तकनीक के साथ समस्याएं जुड़ना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा कि कोई दादाजी बैठे हुए दुखी है, परेशान है, क्यों? बोले लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी मतलब उनकी पत्नी लक्ष्मी की बात नहीं हो रही, लक्ष्मी मतलब पैसे की बात हो रही है, ठीक है, टॉकिंग अबाउट मनी, पैसा नहीं है उनके पास। अब चिंतित हैं, तो तभी एक फोन आ गया, बोले जी रामलाल जी कैसे हो? बोले दुखी हूँ। बोले कोई बात नहीं, आपको सुखी कर देते हैं। कैसे सुखी करोगे? तो उनको बताया कि देखो ऐसा है, आपकी लॉटरी लग गई है। कितनी? बोले आपकी लॉटरी लगी 1 मिलियन डॉलर की। अब उनको मिलियन नहीं पता, उनको तो डॉलर भी नहीं पता, बताया कितना? बोले ऐसा है, करोड़ों की बात कर लो आप, ठीक है। अब जिसके पास पैसा ना हो, करोड़ की बात सुन ले तो फिर तो वो नीचे से 4 पैसे कूद जाएगा। तो बेड पर बैठे हुए छलांग लगा दी, बोले वाह हमारी तो लॉटरी लग गई, अभी पैसा मिलेगा कैसे? तो उनसे किसी ने बताया कि अगर पैसा आपको चाहिए तो आपको अपनी जो बैंक की डिटेल्स हैं वो साझा करनी पड़ेंगी। अब उनके अकाउंट में 2-3 हज़ार रुपये पड़े हुए थे बेचारे, उन्होंने अकाउंट की डिटेल साझा कर दी, और मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं कि अब लॉटरी का पैसा आएगा और हम खुश हो जाएंगे। तो मैसेज आता है, मैसेज में लगता है उनको कि लॉटरी का पैसा आ गया, लेकिन हुआ क्या, जो 1000-1500 रुपये पड़े थे वो भी निकल गए, तो उन्होंने खुश कर दिया उनको अच्छे तरीके से। बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसे कुछ एक अपराध हैं जो आज के समय पर होते हैं। अब ये अपराध एक ऐसी कैटेगरी में आ जाते हैं, देखो पहले ना तो कंप्यूटर था, ना टेक्नोलॉजी थी, और ना इस प्रकार के अपराध हुआ करते थे, तो कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही चीजें नई आती हैं तो वहां पर समस्याएं जुड़ना शुरू हो जाती है। जैसे कि एक नई समस्या आई तो इसको हैंडल करने के लिए बाकी बच्चों को आवाज दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? वंदना आपको वॉइस में दिक्कत है, आप बाकी बच्चे बताओ प्रॉपर आवाज आ रही है? अब है, एम आई ऑडिबल? चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि समय आता है, समय पर बनना अपने पार्ट पर एक चेक कर लीजिए, वॉइस साफ है बच्चों के पास, जा रही सभी के पास तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ना तो पहले इन चीज़ों की कोई ये चीज़ें थी, ना ही किसी कानून की आवश्यकता थी, लेकिन समय बदला तो कानून की आवश्यकता पड़ी। और फिर हम लेकर के क्या है, हम लेकर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, ये अधिनियम हम लेकर के आए। अब देखो अधिनियम के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि अधिनियम तो बहुत बड़ा है। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें, केस स्टडी की बात करें, बहुत बड़ा ये जो है अधिनियम बन जाता है। अगर हम एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर, हमारा फिर से टारगेट यूपीएसआई है, तो हम यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए इसको ज्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटे में हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है जी? क्योंकि साथ मैंने आपको बताया कि हमको कहाँ रहना है, टारगेट ओरिएंटेड रहना है, टारगेट की तरफ हम लोग ध्यान रखेंगे। टारगेट से हम लोग इधर उधर निकल गए तो फिर हमारे साथ समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है भाई? तो ये हमको बच्चे ध्यान रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की। अगर हम इस अधिनियम की बात करें, अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो 9 जून, 9 जून 2000, 9 जून 2000 में, सन 2000, राष्ट्रपति महोदय की इसको असेंट मिलती है, यानी कि राष्ट्रपति महोदय इस अधिनियम का जो बिल उनके पास पास होकर के आया था उस पर अपना दस्तखत कर देते हैं, उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, और यहाँ पर शुरुआत होती है एक नई अधिनियम की। लागू करने की बात करें तो 17 अक्टूबर, यानी कि इसी वर्ष 17 अक्टूबर सन 2000 को यह अधिनियम लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। किस बारे में ये?
ये अधिनियम है अपराधों से संबंधित, किससे, ऑफेंस यानी कि क्राइम से, अपराध से संबंधित। और कैसा अपराध, यहां पर बात कर रहे हैं हम साइबर, यानी कि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड। अगर हम एज ए लेमन कहें तो जो कंप्यूटर रिलेटेड अपराध हैं या संचार संबंधित जो अपराध हैं उनकी व्याख्या करता है, उनको डिस्क्राइब करता है कौन सा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बात समझ में आती है इतनी, एज ए लेमन में समझाया, इससे ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अधिनियम है तो हर बार एक क्वेश्चन ये बनता है कितने चैप्टर इसके अंदर है, कितने सेक्शंस है इसके अंदर है, कितने शेड्यूल इसके अंदर है। अगर हम यहाँ पर अध्याय की बात करें, चैप्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर इस अधिनियम के अंदर 13 अध्याय हैं, 13 चैप्टर्स हैं। कितने अध्याय हैं, 13 अध्याय इस अधिनियम के अंदर मौजूद है। साथ में अगर सेक्शंस की बात करेंगे तो काफी लंबी लिस्ट आ जाती है भाई, 94, 94 धाराएं यहाँ पर मौजूद है, 94 सेक्शंस इस अधिनियम के अंदर मौजूद हैं। और इनके साथ साथ 4 शेड्यूल भी हैं, 4 अनुसूचियां भी हैं, 4 अनुसूचियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी अनुसूची क्या होती है, आपने भारत का संविधान पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे आप, वहां पर आपने सुना होगा कि 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची का मतलब क्या होता है, एज इलेवन समझो, मान लीजिए आपने कोई नोट्स बनाए, किसी विषय के आप नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स बनाने के बाद आपने नोट्स बनाया तो चैप्टर लिख दिया, चैप्टर नंबर 1 का नोट्स ये है, चैप्टर 2 का नोट्स ये है, चैप्टर 3 का नोट्स ये है। बाद में आपको लगा ये कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो चैप्टर 1 से है, चैप्टर 2 से है, साथ में कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी है, आप इसको लिस्ट की तरह रखना चाहते हैं, लिस्ट के फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, अपनी उसकी लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाकर एक किताब के पीछे लगा दी, नोट्स के पीछे लगा दी, और उसको नाम दे दिया लिस्ट नंबर 1। ऐसी आपने दूसरी लिस्ट बनाई, दूसरी लिस्ट में आपने क्या लिखा कि हमारी कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, क्या पढ़ाते हैं, उसको लिख लिया। लिस्ट नंबर 3 में आपने क्या लिखा, आपने लिखा यार किस विषय से कितना कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना उसका वेटेज है, ये आपने लिख लिया। इस प्रकार से आपने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, सूची कहते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ लिस्ट आपको देखेंगे इस अधिनियम को जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिस्ट मिलती है, तो उनको हम क्या कहते हैं कानून की बात में, अनुसूचियां, शेड्यूल्स कहते हैं। तो कितनी अनुसूचियां यहाँ पर मौजूद है बच्चों, यहाँ पर 4 अनुसूचियां, 4 शेड्यूल यहाँ पर मौजूद है। बात समझ में आती है इतना, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर बाद में यहाँ पर आने का हमको मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया इस अधिनियम पर राष्ट्रपति महोदय ने 9 जून सन 2000 में अपनी स्वीकृति दी, इसको अपना सिग्नेचर कर दिया, दस्तखत कर दिया, सील लगा दी। 17 अक्टूबर 2000 से ये भारत के अंदर लागू होता है। किस विषय की चर्चा है इसके अंदर, इस अधिनियम के अंदर अपराधों की चर्चा है, क्राइम की चर्चा है। कौन से अपराध, जो कंप्यूटर रिलेटेड हैं, साइबर क्राइम है, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। साथ में उसकी डेफिनेशन भी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि क्राइम की बातें हैं, और भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे कंप्यूटर क्या है उसको भी डिफाइन किया गया है इसके अंदर, व्हाट इज कंप्यूटर लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस प्रकार का इसमें व्याख्या की, इस प्रकार का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 13 अध्याय, 13 चैप्टर्स यहाँ पर मौजूद है, 94 धाराएं, 94 सेक्शन, और साथ में 4 अनुसूचियां, 4 शेड्यूल यहाँ पर मौजूद है। ये इस अधिनियम के बारे में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने भी आपसे कहा था कि बड़ा अधिनियम है, काफी लेंथी अधिनियम है, तो सारी धाराएं तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एक धाराएं ऐसी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपनारा इसमें आता है धारा 65 सेक्शन 65। सीधा शुरुआत करेंगे सेक्शन 65 से, धारा 65 से, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अधिनियम के अंदर, जैसे पोर्नोग्राफिक मटेरियल है उसको बैन करना है ना, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बीच में भी दिए, तो सबको देख करके चलेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं धारा 65 की, सुनिएगा यार ध्यान से, यहाँ पर हेडिंग क्या है, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका हिंदी मतलब होता है बच्चे, हिंदी वाले देखेंगे, छेड़छाड़ करना, और छेड़छाड़ किससे करना, जो कंप्यूटर का स्रोत है। अभी कंप्यूटर का स्रोत का मतलब क्या है इसको सुनिए, देखिए जब भी कोई ऐप बनती है, हम बहुत सारी ऐप यूज करते हैं ना भाई, कोई गेम की ऐप है, कोई पढ़ाने की ऐप है, जैसे हम सफलता ऐप है, या बहुत सारी ऐप हम लोग यूज करते हैं। आज का आपको पता है स्मार्टफोन विदाउट ऐप के नहीं चलता है, ऐसे ही बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम बनते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनेगा, जब भी कोई ऐप बनती है, तो उसका एक बेस मटीरियल होता है, सोर्स मटीरियल होता है, बात समझ रहे हैं, उसका एक सोर्स मटीरियल होता है। तो जो सोर्स मटीरियल होता है, वो जो बनाने वाला है, जो ऐप बनाने वाला है, उसको अपने पास रखना पड़ेगा, और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके साथ टेम्परिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्यों,
क्योंकि जब कभी भी जब गवर्नमेंट एजेंसी उसको डिमांड करती है तो सामने गवर्नमेंट एजेंसी के सामने रखना पड़ेगा कि भाई ये हमारी पॉलिसी रही है, ये हमारी ऐप है, यहाँ पर हम किसी को किसी प्रकार से कोई हम हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। बात आप समझ रहे हैं? जैसे कि सिंपल लेके चलो, आपने कोई पुल बना दिया यार, बोलना पुल बनता है, हर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने कोई पुल बनाया, तो पुल का क्या होता है, सैंपल मटेरियल होता है, सैंपल मटेरियल उनको अपने पास रखना पड़ता है। अगर कभी भी उसका पूरा फॉर्मूला बनाकर रखते हैं कि हमने ये यहाँ पर रखा है, और कभी कोई बच्चा यहाँ पर होगा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होगा तो कोई बिल्डिंग बनती है तो इस प्रकार का एक बॉक्स टाइप का लेते हैं वो लोग, और बॉक्स के अंदर जो भी मटेरियल है, जितना सीमेंट वगैरह डाला है, उसका एक पूरा सॉल्यूशन बना करके एक प्रकार की एक ईंट बना के रख देते हैं, उसको सेफ करके रखते हैं। कभी भी सैंपल चेक करना होगा तो सैंपल कहाँ से लाएंगे, डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलेगा नहीं, ये सैंपल काम आएगा जी, हमने इस प्रकार से सैंपल यूज किया था, ठीक है जी, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको इस बारे में पता होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आपने ऐप बनाया है, ऐप का जो सोर्स मटेरियल है वो बनाकर बचा करके रखना है। क्यों? क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट एजेंसी अगर डिमांड करती है तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। बात समझ में आ गई आपको? तो ये है 65 ऐसा कहती है। वेरी गुड अभय सिंह, आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिविल इंजीनियर, ये बाकी बात हो रही कंप्यूटर इंजीनियर्स की, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के फील्ड में वो जान गए होंगे इस बात को, और बाकी भी जान गए होंगे, तो मैंने इस तरीके से समझा दिया है। तो जो सोर्स मटेरियल है, जो स्रोत डॉक्यूमेंट है, अगर उसके साथ छेड़खानी करते हैं, पहली बात तो मना है, अगर छेड़खानी कर दी तो यहाँ पर कहता है भैया यहाँ पर मिलेगा क्या, दंड। यहाँ पर क्या लगेगा, ये गलत लिख गया भाई, यहाँ पर मिलेगा दंड। और दंड क्या कहता है, 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, मिनिमम कुछ भी होगी लेकिन 3 वर्ष तक मैक्सिमम जा सकती है। अगर सजा नहीं देनी है, केस को देखते हुए कितना नुकसान हुआ है, यहाँ पर 2 लाख तक का पनिशमेंट है, 2 लाख रुपीज तक का यहाँ पर फाइन लग जाएगा। और साथ में ये दोनों भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है, ठीक है जी, केस बाय केस बेस पर चलता है। ये है हमारा 65, धारा सेक्शन 65। इसके बाद आपने सुना हो कंप्यूटर हैकिंग, जैसे आप अपने मोबाइल अभी यूज कर रहे हैं, मैंने क्या किया कि छोटा सा वायरस बनाया, मतलब मैं ऐसा करता नहीं हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, मैं नहीं, मतलब किसी और ने आपके पास से कोई लिंक भेज दिया, आपने क्या किया उसको क्लिक कर दिया। अब हम लोग तो, जो लोग जानते नहीं है उनके लिए तो बड़ी बात हो सकती है, लेकिन जो कंप्यूटर के उस्ताद होते हैं उनके लिए क्या एक छोटा सा लिंक बड़ा काम का होता है। जैसे कि हाँ, तो यहाँ पर क्या किया कि वो लिंक आया, आपने उसको क्लिक कर दिया, वो क्लिक करने के बाद क्या किया, जो आपने अपना सारा डेटा है वो सारा डेटा आपका वहां से चला गया, दैट इज नो, उसको आप कह सकते हैं हैकिंग। हाँ विक्रांत, हिंदी में देखो, इससे ज्यादा हिंदी में कुछ नहीं लिखा मैंने, ये देखो यहाँ पर आप करो हिंदी में लिखो, देखो बच्चे 65, ठीक है हिंदी में लिख गई, ये जो पूरी कहानी लिखी है ये भी मैंने हिंदी में लिख दी, छेड़छाड़ की जिसके साथ, स्त्रोत के साथ, सजा मैंने हिंदी में लिख दी, ठीक है भाई, चिंता मत किया करो, हिंदी इंग्लिश वाले मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर 66 और हैकिंग की बात हो रही है, हैकिंग क्या मैंने आपको बता दी, ठीक है, हाँ समझ गए मनु करदन, आप बिल्कुल समझ गए, ठीक है, दैट इज नोन एज फिशिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ गई हैकिंग, अगर हैकिंग कर रहे हो, पहली बात तो हैकिंग करना भी भैया दंडनीय अपराध है ना, और दंडनीय अपराध है, दंड भी मिलेगा, क्या दंड मिलता है यहाँ पर, 3 वर्ष तक की सजा, कितनी, 3 वर्ष तक की सजा, या फिर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों, जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। यह है धारा 66 सेक्शन 66, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं धारा बताऊंगा उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कारण क्या है, एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था भारत के अंदर इसको लेकर के, और वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, धारा 66 ए सेक्शन 66 ए, ठीक है, धारा, ललित कह रहे हैं सर, धारा 66 है, बिल्कुल सही ललित, सेक्शन 66 ए। देखिए जब भी कोई धारा पढ़ते हैं, चाहे वो सेक्शन 66 ए हो, 67 बी हो, वॉट एवर, जहां पर ये आप ABC पढ़ते हैं ना किसी भी धारा के बाद, इसका मतलब क्या होता है कि ये सब धारा अमेंडमेंट के बाद आती है, संशोधन के बाद आती है, ठीक है। तो सन 2008 में अमेंडमेंट किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत, और संशोधन क्यों करना पड़ा भाई, जरूरत पड़ती है समय के अकॉर्डिंग कानून के अंदर बदलाव करना पड़ता है, तो संशोधन करना पड़ा, जब संशोधन करना पड़ा तो यहाँ पर लेकर के धारा 66 ए सेक्शन 66 ए, ठीक है। अब ये कहानी क्या थी, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, कोई नेता है, अब उस नेता के ऊपर किसी ने कोई कमेंट कर दिया है ना,
आपने देखा होगा, अगर आपको ध्यान हो, आपको याद हो 2014 का चुनाव, 14 की बात करूँ, 14 के पहले का अलग माहौल था, है ना। आपने मीम्स देखे होंगे व्हाट्सएप के ऊपर, बोले इधर बाबा रामदेव है, बगल में कोई और है, उधर कोई और है, लोग इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी नेता के ऊपर आरोप लगा दिया, आलोचना कर दी, कहाँ पर, सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया आप समझते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, दैट सब, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे ट्विटर हो, सब सोशल मीडिया में आते हैं। अरे सब जानते हो ना कि सोशल मीडिया क्या होता है, मुझे बताने की तो आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा चैप्टर उसी से जुड़ा हुआ है। बाद में पूछो तो सोशल मीडिया क्या होता है, ठीक है। तो जितना भी आप ये देखते हैं इंटरनेट पर, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे टेलीग्राम है, ये सब किस में आता है, सोशल मीडिया में आता है, ठीक है जी। जी तो अगर यहाँ पर एक स्थिति आई कि सरकार एक अधिनियम ले आई, एक अमेंडमेंट लेकर के आई अधिनियम के अंतर्गत, और यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया कि अगर कोई सोशल मीडिया पर कोई कमेंट करता है किसी प्रकार का, सोशल मीडिया, और यहाँ पर किसी ने कोई कमेंट कर दिया, कोई टिप्पणी कर दी, और टिप्पणी के आधार पर क्या होता था, फिर लोगों पर मुकदमे बनने लग गए, लोगों पर मुकदमे बनने लगे। सरकार किसी नेता की आप बात कर दो तो मुकदमा बना दिया, किसी अफसर के खिलाफ कुछ कह दो तो मुकदमा बना दिया, बोले कि ये तुम्हारा पर्सनल आपने कमेंट कर दिया, है ना, इस प्रकार की बातें होने लगी। तो यहाँ पर दो केस, दो पीआईएल फाइल की गई। कौन? एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जिनका नाम था श्रेया सिंघल, काफी फेमस नाम है रहा ये, श्रेया सिंघल। और दूसरा एक और था माउथ shut.com, mouth shut.com। इन्होंने एक पीआईएल, एक जनहित याचिका दाखिल की जुडिशरी के सामने, न्यायपालिका के सामने। तो न्यायपालिका के सामने उन्होंने क्या कंटेंट किया कि सर देखो ऐसा है, ठीक है, आप अगर सोशल मीडिया पर कोई कुछ कह रहा है, आपने मान लिया कि चलो ठीक है, उसको उठा के बंद कर दिया, मुकदमा बना दिया, आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखो कि हमारे पास क्या है, आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 किसकी बात करता है, किसकी बात करता है अनुच्छेद 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही सिंह, वाक एवं अभिव्यक्ति। हिंदी वाले बच्चे देखो ये क्या देता है आपको, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। जी वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी देता है हमको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कंटेंट किया गया है, ये बात कही गई कि सर ये तो हमारा जो आर्टिकल 19 है उसका वायलेशन है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, क्योंकि अगर कोई पब्लिक डोमेन का व्यक्ति है तो उसके खिलाफ तो बात कही जाएगी, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उसके खिलाफ बात कही जा सकती है। तो ये जब कंटेंट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो श्रेया सिंघल का जो जो आर्ग्यूमेंट था उसको एक्सेप्ट किया, ये खुद लॉ स्टूडेंट रही है, तो इसको एक्सेप्ट किया गया। और एक्सेप्ट करते हुए ये जो धारा बनाई गई धारा 66A, इसको डिक्लेयर कर दिया गया नल एंड वॉइड, ठीक है, नल एंड वॉइड इसको रद्द कर दिया गया, बोले ये रद्द है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है जी। तो ये धारा 66A वहाँ पर रद्द कर दी गई थी। ये डेट थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है, कुछ पूछ ले तो, वैसे ऐसा होता नहीं है, 24 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया था। ललित 2015 में, बिल्कुल सही, 24 मार्च 2015 को ये निर्णय दिया गया था। तो ये धारा 66A हो जाती है। हालांकि देखो आज के टाइम पर, आज के परिवेश को देखते हुए धारा 66A से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एग्जामिनर का पता नहीं है, पूछ ले, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम पहले, आज से 4-5 साल पहले ये चीजें जा चुकी हैं, और अब तो एक नया कोड और आ गया जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि धारा 66A, स्पेशली ये जो श्रेया सिंघल केस है, श्रेया सिंघल केस धारा 66A से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या कंटेंट किया गया था वो सारी बातें मैंने आपको बता दी, दोबारा सुन लीजिए। श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है देखो धारा 66A जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर जो हमको अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका वायलेशन है, इसलिए इसको रद्द करार दिया जाता है। लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि हम
जब किसी राजनेता की या किसी पब्लिक डोमेन के व्यक्ति की कोई आलोचना अगर करते हैं तो इसका कहीं ये मतलब नहीं होता कि हम अपनी सीमाओं को लंघ जाएं। ये आपने पॉलिटिक के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। आलोचना करना एक अलग बात है, लेकिन भाषा की मर्यादा को बनाए रखना है, ये भी एक अलग बात है, ठीक है। तो दोनों जरूरी है लोकतंत्र के अंदर, आलोचना भी जरूरी है क्योंकि वो हमारा अधिकार है, लेकिन भाषा की मर्यादा भी जरूरी है। कारण क्या है कि भाई दूसरा जो व्यक्ति है उसकी भी एक लाइफ है, ठीक है, जैसे आपकी एक लाइफ है उसकी भी एक लाइफ। बात समझ में आती है। ये हमारा धारा 66 सेक्शन 66A हो जाता है। अब सुनिए, छोटी छोटी धाराएं हैं, बहुत छोटी छोटी। चलिए कुछ और धाराएं हैं छोटी छोटी, उनको देखते हैं। मनुकरदम आएंगे उस पर भी, चिंता मत करो। तो यहाँ पर जो मैं आपसे कह रहा था धारा 66 है, उसके बाद धारा 66B सेक्शन 66B। धारा 66B कहता है, सेक्शन 66B कहता है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर आपने देखा होगा कई बार किसी व्यक्ति ने कोई मोबाइल चोरी कर लिया है ना। हाँ अंकुश पाठक, यही तो मैंने आपको बताया कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वल्गैरिटी एंड स्पीच। स्पीच तो आपकी हो सकती है ना, आप अपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, भाषा आप बना करके मर्यादा बना करके रखेंगे तो आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि भाई हम लोग भाषा को मर्यादा को ना देखते हुए कुछ भी कहेंगे, आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है। तो मैं आपसे कह रहा था यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था धारा 66B सेक्शन 66B। आपने कई बार देखा होगा कि किसी का मोबाइल चोरी हो गया है ना। वैसे तो मोबाइल मिलता नहीं, गलती से नहीं, एक बार चोरी हो जाए, वैसे कितने भी उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स हो वो मिलता नहीं है, ये खास बात होती है। अब ये कुछ लोग पुलिस पर भी आरोप लगाते हैं, बोले आप जो है ना काम ईमानदारी से नहीं करते, वट एवर जो भी चीजें होती हैं यहाँ पर, तो वो अलग चीजें हो जाती हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि अगर मान लीजिए किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी का कोई संचार का माध्यम, बड़ा मुश्किल होता है ललित जी, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये IMEI रन कर लेंगे उसके बावजूद भी, क्योंकि जो लोग चोरी करने वाले होते हैं बड़े मास्टरमाइंड होते हैं, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि मान लीजिए मोबाइल चोरी हो गया या किसी ने चुरा लिया, अब उसका क्या करना है, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा IMEI नंबर, अगर ये ट्रैक होता है तो मैं आपको बता दूं कि चोरी का कोई भी इक्विपमेंट है, अगर कोई इक्विपमेंट चोरी का है, चोरी का कोई डिवाइस है, इक्विपमेंट चोरी का डिवाइस है, अगर आप उसे यूज कर रहे हैं, प्राप्त किया है आपने किसी प्रकार से, इन शॉर्ट में आपको लिख दूं, चोरी का डिवाइस आपने कहीं से प्राप्त कर लिया। यहाँ डिवाइस का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस भाई, कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कम्युनिकेशन डिवाइस अगर यहाँ पर प्राप्त किया है आपने किसका, चोरी वाला, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट एवर जिस तरीके से, तो ये भी एक दंडनीय अपराध है। और यहाँ पर दंड विधान क्या कहता है, 3 वर्ष की सजा मिल सकती है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों, बोथ, जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद छोटी छोटी धाराएं ध्यान रखना। 66B में क्या है, 66B में कहा गया है, 66B में, अरे बहुत आगे चले गए आप, EMI नंबर बोले कि ये EMI नंबर पता लग जाता है, इतना नहीं जाना आपको। वी आर हेयर टू बी सपोज टू बी इंस्पेक्टर है ना, नॉट लॉयर्स और नॉट एक्सपर्ट्स। थोड़ा थोड़ा इतना जान लो, बहुत है आपके लिए, मोर देन सफिशियंट होगा। कारण क्या, अगर हम इस एक ही पॉइंट के अंदर इतना घुसेंगे तो ये पूरा हमारा अधिनियम पूरा नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। चलिए तो ये धारा 66B के अंदर इतना बताया गया। उसके बाद है नेक्स्ट धारा 66C सेक्शन 66C। कई बार होता है ना कि आप फेसबुक चला रहे हैं, या कोई और बंदा फेसबुक चला रहा है, आप बस में जा रहे हैं, कुछ लोगों की नज़र बड़ी तेज होती है ना, वो दूर से देखते रहते हैं क्या कर रहा है, फेसबुक चला रहा है, नाम देख लिया,
और फिर जैसे ही वो पासवर्ड टाइप करेगा, ठीक है, जैसे ही पासवर्ड टाइप करेगा तो हमने भी अपना वो फीड कर लिया, और फिर क्या करेंगे, घर जाके बोले अब हम खुद लॉग इन करेंगे इसको, ऐसा हो जाता है ना। तो धारा 66C कहती है कि अगर किसी का हमने पासवर्ड यूज कर लें, किसी का पासवर्ड, किसका, अन्य व्यक्ति का, अन्य व्यक्ति का अगर हम पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, दंडनीय है। एक बात ध्यान रखना, अगर वो कहता है कि यार मेरा लॉगिन कर लो, उसकी परमिशन तो बात अलग है, फिर तो कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, परमिशन के साथ तो बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन आप यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सब क्या है, तो सब आ जाता है अपराध में। किसमें आता है, अपराध की कैटेगरी में, और अपराध की कैटेगरी में आएगा तो यहाँ पर 3 वर्ष तक की सजा है, या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, या फिर दोनों हो सकता है, बोथ, जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोसीड किया जाएगा। दोनों पर भैया, जो इस्तेमाल कर रहा है वो भी नहीं बचेगा शैलेंद्र, जो, ठीक है, जो इस्तेमाल कर रहा है उसको भी है, और जो लेकर क्या है वो तो जाएगा ही जाएगा अगर पकड़ में आता है, ठीक है। तो ये धारा 66C सेक्शन 66D C। अंकुश, 66D के अंदर जो पनिशमेंट था, आपने कहा था पनिशमेंट बता दो, देख लो जरा एक बार, 66B के अंदर क्या पनिशमेंट है। यहाँ पर पनिशमेंट अंकुश 3 वर्ष तक की सजा है, या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों, ठीक है, 66D, 66D। चलिए नेक्स्ट, 66D, 66D, एक एक लाइन में उसको बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए, कभी आप गेम खेल रहे हैं, ऐसा हो जाता है ना कि देखो बहुत से लोग होते हैं उनकी नजरें कहीं और होती हैं, जैसे कि जो लोग ओपन माइंडेड हैं तो उनके लिए किसी लड़की से बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा नहीं होता, बट बहुत लोगों के लिए ये रोमांच का काम हो जाता है ना, रोमांचित हो जाते, किसी ने हाय बोल दिया तो फिर उनका वो ख्वाब सजाना शुरू कर देते हैं, है ना। और जब ऐसे लोग होते हैं तो वो कई बार ट्रैप में आ जाते हैं, कैसे, कि कहीं पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेलते समय किसी ने आईडी बना दी, वैसे पबजी पर भी आएंगे आज हम, पबजी की बात करेंगे, किसी ने आईडी बना दी और आईडी बना करके उसने नाम लिख दिया अपना, क्या, खुशी है लड़का, ठीक है। अब ये नॉर्मल होता है, जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब मैराथन ले रहा था तो वहां पर भी कुछ होते हैं, वो लड़की बनकर वो मजे ले जा करते हैं, बोले कैसे हो, क्या है, नंबर दे दो, है ना, ये सब चीजें चलती हैं। मैं कई बार यूट्यूब पर क्लास देता हूँ, वहां पर भी चीजें आ जाती हैं, समाज है हमारा, सोसाइटी के अंदर किस प्रकार के लोग रहते हैं, और सामने वाला रोमांचित होता रहता है, उसे पता नहीं बेटा ये भी लड़का है तो इससे मजे ले रहा है, ठीक है, ये हो जाता है। जी, ये क्या कह रहे हैं रोहित, क्या कह रहे हैं, रिचार्ज कराया है, ये क्या कहना चाहते हो भाई रोहित भाई, चलिए ठीक है। हाँ तो देखिए, ये खुशी बन गए और खुशी बन करके किसी लड़के से बात कर ली, उसको हाय लिख के भेज दिया, मान लीजिए कोई व्यक्ति ले लीजिए आप, यहाँ पर सोहन ले लीजिए, तो सोहन को हाय लिख करके भेज दिया यहाँ पर उठाकर, अभी तो रोमांचित होगा, किसी ने देखा नहीं आज तक जीवन, इसको पहली बार हाय आ गया, बढ़िया सी डीपी लगी हुई उसकी, फिर तो पागल ही हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पर क्या किया है, इसका हो गया एक्सप्लोइटेशन, कैसे, तो कोई डिमांड कर ली, बोले गिफ्ट भेज दो हमारे पास, है ना, गिफ्ट ले लिया और इसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, बाद में पता चला, बाद में पता चला क्या, कि बोले हमारा बन गया बेवकूफ, है ना। तो ये तो इसका एक्सप्लोइटेशन हो गया ना, शोषण हो गया, बहुत शॉर्ट में मैंने बताया ये चीज, ये चीजें हो जाती है, ठीक है। तो अगली बार कोई हाय भेजो तो समझ लेना बेटा हाय क्यों आ रहा है, बात। तो यहाँ पर धारा 66C क्या कहती है, सेक्शन 66 क्या, 66D क्या कहता है, कि ये कहता है कि अगर कोई चीटिंग करता है, अगर कोई चीटिंग करता है, धोखा धड़ी करता है, अगर कोई चीटिंग करता है, धोखा अगर कोई चीटिंग करता है, कोई धोखा धड़ी करता है, ठीक है, और धोखा धड़ी करके, धोखा धड़ी का मतलब यहाँ पर गेन करता है, रॉन्गफुल गेन करता है, और चीटिंग किसके थ्रू की जा रही है, कंप्यूटर सोर्स के थ्रू, कंप्यूटर का जो स्रोत है उसके थ्रू, आप समझ गए ना, कंप्यूटर का मतलब यहाँ पर मोबाइल भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, उसके थ्रू अगर इस प्रकार की कोई धोखाधड़ी होती है तो सेक्शन 66D
धारा 66D के तहत ये क्या है, एक अपराध है, और अपराध के लिए फिर क्या है, यहाँ पर दंड भी मिलेगा, 3 वर्ष तक का दंड मिलेगा, साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। ठीक है, हाँ देखो रोहित कह रहे हैं टिंडर मीटिंग ऐप, ऐसी ऐप तो आजकल बहुत आती है, ये कह रहे हैं सर टिंडर मीटिंग ऐप बहुत ऐप आती है आजकल। आप एक बार गलती से जो है ना, गलती से कोई लिंक ओपन कर लो, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होता है, वो ISP वाला क्या करते हैं, वो डेटा पता लग जाता है, बोले इसकी यही, इसकी ये पसंद चीज है, तो आप देखिए फटाफट वही सारे लिंक खुलने शुरू हो जाते हैं, आपने मोबाइल हाथ में लिया तो वही आ जाएगा सामने, उसके सिमिलर कोई ना कोई चीज आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कभी आपने शॉपिंग कर ली अमेजोन पे, तो अमेजोन के साथ कभी फ्लिपकार्ट आएगा, कभी मित्रा आएगा, मिंत्रा आ जाएगा, इस प्रकार की वो हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कह रहे हैं कि सर टेंडर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पागल बनाते हैं वो आपको। हाँ जी चलिए, तो हाँ बस 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 ठीक है, समझ गया मैं आपकी बातों को, और ज्यादा अंदर मत जाओ इसमें। ठीक है, तो सेक्शन 66D हो गया, धारा 66D हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाता है धारा 66E, सेक्शन 66E। ये कहता है, आपने सुना होगा कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि कोई शोरूम है, कोई शोरूम है, और शोरूम के अंदर क्या किया, किसी ने चेंजिंग रूम है वहां पर कैमरा लगा दिया, या किसी का कोई प्राइवेट इमेज ले लिया, प्राइवेट इमेज या प्राइवेट वीडियो। ठीक है जी, निजी तस्वीर, तस्वीर का मतलब यहाँ पर वीडियो भी आ जाता है। ठीक है भाई, निजी तस्वीर ले लिया, अब निजी तस्वीर, हाँ हिडन कैमरा, वैसे हिडन कैमरा। ठीक है, आपका जो कैमरा वो तो हिडन नहीं है, वो तो ओपन है ना। चलिए, तो यहाँ पर किसी का प्राइवेट इमेज ले लिया, समाज के अंदर घटनाएं होती हैं बहुत, आप सुनने में आती। अब ये लगा, पहले तो यही अपराध है, और लगाने के बाद किया कि इसको क्या किया, लीक कर दिया, इसको लीक कर दिया समाज, इसके अंदर बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, वहां पर एक पति की अपनी पत्नी से लड़ाई हो गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी का जो प्राइवेट इमेज होती है अपना, ठीक है भाई पति पत्नी है तो बहुत सारे मोमेंट होते हैं, तो उसको शेयर कर दिया और उसको बता दिया दिस इज शी इज प्रोस्टिट्यूट। तो ये बहुत सारी घटनाएं लोग करती हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि सेक्शन 66E धारा 66 क्या कहती है, अगर किसी का कोई प्राइवेट इमेज आप लीक करते हैं, यानी कि वायरल कर देते हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आगे भेजते हैं, तो ये क्या है, ये भी दंडनीय अपराध है, ये नहीं किया जा सकता। किसके तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और यहाँ पर जो दंड विधान है, वो दंड विधान कहता है 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, या फिर 2 लाख रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों। ठीक है, दोनों इसमें हो सकते हैं, तो ये धारा 66E हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 7-8 धाराएं हो जाएंगी, ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 7-8-10 धाराएं हो जाएंगी, और 8-10 धाराओं में कौन सा अपराध किस कैटेगरी में दिया हुआ है, किस अपराध के लिए क्या सजा है, याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप क्या करना, एक शीट ले लेना, और शीट लेकर के वहां पर एक तरफ लिख देना धारा, जैसे यहाँ पर धारा 66E लिख दिया, यहाँ पर उसका अपराध और अपराध के बगल में सजा, तो एक ही शीट के ऊपर ये पूरा जो एक्ट आपका कवर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर ले, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। तो ये सेक्शन 66E, किसी की अगर कोई प्राइवेट तस्वीर, तस्वीर का मतलब वीडियो या कोई भी डेटा रिलीज करता है, लीक कर देता है, तो ये दंडनीय अपराध है, और इसके लिए सजा का प्रावधान है, धारा 66E कहता है। उसके बाद नेक्स्ट, कुछ खबरें आपने और सुनी होंगी, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कोई मीटिंग चल रही थी मीडिया के अंदर, देर वॉज डिस्कशन ऑन मीडिया, या फिर कोई ऑफिशियल मीटिंग था, आई कैनॉट रिमेम्बर दिस, समथिंग लाइक दैट, और वहां पर किसी हिंदुवादी ग्रुप ने या उनके किसी व्यक्ति ने भड़काने के लिए वो जय श्री राम बीच में डाल दिया था, दे वर डिस्कसिंग समथिंग, और बीच में कोई बोल रहा है जय श्री राम समथिंग लाइक दैट, ऐसा कर देते हैं, ऐसा उनके साथ नहीं तो हमारे साथ भी हो जाता है कई बार। मीडिया, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट को क्या किया, हैक कर लिया और उसके ऊपर कुछ लिख दिया, ऐसा जो देश के विरोध में आ जाता है, जो राष्ट्र विरोधी है, तो लोग ऐसा कर देते हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं बच्चों, उसको क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं साइबर टेररिज्म।
अगर ऐसी कोई घटना है तो उसको क्या कहते हैं, साइबर आतंकवाद। जैसे मैंने आपको बता दिया, शुद्ध हिंदी में आर्मी की वेबसाइट को हैक कर लिया है ना, अरे हिंदी में चला लिख गए थे, इंडियन आर्मी है उसकी वेबसाइट को हैक कर लिया, पीएमओ की वेबसाइट को हैक कर लिया, वो पता नहीं क्या लिख दिया उसके ऊपर, है ना। तो ये सब किस में आ जाएगा, साइबर टेररिज्म में, साइबर आतंकवाद में आ जाएगा, यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज को कंडक्ट कर दी इसके थ्रू, साइबर एक्टिविटी के थ्रू। तो ये सब किस में आएगा, साइबर टेररिज्म। तो साइबर टेररिज्म कहाँ पर है, कहाँ पर बताया गया, सेक्शन 66 एफ के अंतर्गत। अगर आप कहोगे सर कौन सा अपराध जो है, कौन सा साइबर एक्ट साइबर टेररिज्म में आएगा, तो उसके लिए सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई एक्ट जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर देश की यूनिटी एकता को खतरा हो, देश की इंटेग्रिटी अखंडता को खतरा हो, इसके साथ साथ राष्ट्र की सिक्योरिटी को खतरा हो, देश की सुरक्षा को खतरा हो। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट है और वहां पर ऐसा डेटा है जो पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया है, बात समझ आ रही है ना, तो वहां से उसको हैक कर लिया और हैक करने के बाद उसका मिसयूज किया, तो सब किस में आएगा, साइबर टेररिज्म आ जाएगा, ये साइबर आतंकवाद में है जी। हाँ रोहित कह रहे हैं आई लव यू वायरस, क्यों भाई इतना प्यार क्यों है आपको वायरस से। चलिए तो ये साइबर टेररिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा, और ये साइबर टेररिज्म ऑब्वियसली बात है अपराध है, और अपराध है तो दंड यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर अपराध क्या है, दंड क्या है, बोले यहाँ पर फाइन वाइन से काम नहीं चलेगा, उठा करके उम्र कैद तक की सजा है, यहाँ पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है, साइबर टेररिज्म सेक्शन 66 एफ। किसी कोई तकलीफ, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं जहाँ पर तकलीफ, बड़ा सिंपल सिंपल तरीके से बताते जा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा होगा कोई हम एक्ट पढ़ रहे हैं, मौज मस्ती भी लग रही होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, दो चार धाराएं और है, उसके बाद फिर हम एक जनरल डिस्कशन लेंगे, मजा आएगा आप। चलिए तो नेक्स्ट हम आते हैं धारा 67 पर, सेक्शन 67 पर। देखिए धारा 67 सेक्शन 67, आपने देखा होगा पोर्नोग्राफिक तो हम सभी जानते हैं, बहुत सा मटेरियल ऐसा है, बहुत सा क्या सर्वे कहता, मैं कहीं पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पर ही पढ़ रहा था, तो वो मुझे देखा मैंने पढ़ने का पता लगा कि इंटरनेट पर जो मटेरियल है उसमें से 30%, अरे ये क्या कह रहे हैं, मनु कर्दम कह रहे हैं कि सर श्वेता की जो ऑडियो लीक करी थी उसको सजा मिलेगी क्या, श्वेता वाला आपने सुना होगा ना वो। ठीक है जी, अगर वो इसको मामले को आगे लेकर के जाए तो बिल्कुल सजा मिलेगी, ठीक है। वैसे वो ऑलरेडी सोशल डोमेन में थी, मैं आपको बता दूं, कोई प्राइवेट वीडियो नहीं था, कोई प्राइवेट ऑडियो भी नहीं था, है ना, तो वहां पर क्या कह सकते हैं। चलिए तो धारा 66 सेक्शन 67, धारा 67 मैंने आपको बताया कि देखिए अगर आप इंटरनेट की बात करें, तो मैं कहीं पढ़ रहा था वहां पर ये लिखा था कि 30% जो डेटा है इंटरनेट पर, जो सामग्री है वो पोर्नोग्राफिक है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए बट फिर भी आ गया तो मैं बता देता हूँ। आजकल हमारे समाज के अंदर एक तो सेक्स, इसको टैबू बना दिया है, बोले टैबू है, इसको तो बात ही नहीं करनी, डिस्कशन नहीं करनी, दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। देखिए जीवन के अंदर कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, गलत क्या होता है उसकी टाइमिंग, टाइम गलत होता है, ठीक है। तो ये हमको समझना चाहिए, कहने का मतलब मैं यहाँ पर ये बात क्यों कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे होते हैं जो इन पर, चाहे वो UPSI की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, दे डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट, बोले ये तो टैबू है, इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी, ऐसा नहीं होता। कल को जब डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और वहाँ पर जब आपके सामने आएंगे तो आपको बात भी करना पड़ेगा, लोगों को समझाना ही पड़ेगा। वहाँ पर ये नहीं यार सेक्स की बात होगी तो समझा, बोले तो मन में लड्डू सा फूट गया, ये सब नहीं करना आपको, और इतना भी नहीं घबराना, बोले भाग गया, अरे यार मैं तो बात ही नहीं करूँगा या नहीं करूँगा, समझने मेरी बात को। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि देखो धारा 67 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी इंफॉर्मेशन को
पब्लिश कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है जो ऑब्सीन है, जो अश्लील है, ठीक है। अगर अश्लील इंफॉर्मेशन को प्रकाशित कर रहा है, ठीक है भाई, अश्लील इंफॉर्मेशन को प्रकाशित कर रहा है तो वो क्या है और किस फॉर्म में, यहां पर याद रखना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर साइबर लॉ पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई व्यक्ति पब्लिश कर रहा है क्या ऑप्शन मटेरियल, अश्लील मटेरियल अगर वो पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है, तो ये क्या है, दंडनीय अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है। और यहाँ पर दंड क्या है, दंड कहता है कि 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, 5 वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों, जैसा भी देखेगा। कहने का मतलब ये सब करना बिल्कुल मना है, स्पेशली जब बात भी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो देखना छोड़, अब पब्लिश करना छोड़िए, देखना भी अपराध है। हमको लगता है कि हम जो अपने मोबाइल में कर रहे हैं, जैसे आपने कोई वर्ड टाइप किया तो हमको ये लगता है कि यार इसके बारे में किसी को पता नहीं, हम तो इसे डिलीट कर दी। याद रखना आप अपनी वैसे जीवन में कुछ करते हैं, शायद उसका एविडेंस आप खत्म कर दें, लेकिन अगर आपने कुछ सर्च कर दिया तो उसको जीवन में आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, दैट विल रिमेन फॉर फॉर एवर। आप समझ रहे, रात को 11:54 पर आप क्या देख रहे थे, दैट इज सेव। और किसके पास, जो हमारा ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, उसके पास सारा डेटा सेव होता है, कितने टाइम आपने क्या देखा, क्या आप सर्च कर रहे थे, बस समझ में आ रही है। तो जो मैं बात कह रहा था, क्या अभी हम बाद में आएंगे भी इसके ऊपर, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रोड्यूस करना छोड़िए, शेयर करना छोड़िए, देखना भी अपराध है। इसीलिए आप देखिए बीच में सारा जो पोर्नो का जो कंटेंट था वो सब सब डिलीट कर दिया गया था, ठीक है जी। चलिए तो ये धारा 67, चलिए अभी आएंगे रोहित, तो उसके ऊपर भी आएंगे, अभी तो मैं केस भी डिस्कस करूंगा उसके संबंध में, घबराओ मत, ठीक है। तो सेक्शन 67 धारा 67, चलिए नेक्स्ट है, इसी से जुड़ा हुआ है सेक्शन 67A। ये तो प्रकाशित करने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कोई मैगजीन ली, और मैगजीन लेकर के हाँ वो रोहित चलता रहता है, वो समाज है हमारा, वी कांट से एनीथिंग एंड वी कांट डू एनीथिंग विद दैट, है ना। चलिए तो वापस आते हैं हमारा धारा 67A पर। देखिए 67A क्या कहता है, 67 ये कहता है कि देखो अगर यहाँ पर, तो चलो इतना ही बहुत है, 67 को ही रहने दो आप, खत्म कहानी, इसी के अंदर आप सारा ले लीजिएगा, उतने में आपका काम चल जाएगा, ज्यादा हम इसको डिटेल में लेके नहीं आते, ठीक है। चलिए 67C धारा 67C ये समझ लीजिए। आप कभी साइबर कैफे गए हैं, साइबर कैफे, आजकल तो जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, बट कभी ना कभी किसी, कभी ना कभी सामान, ऐसा स्थिति आई होगी, आप साइबर कैफे जरूर गए। अब जब आप साइबर कैफे जाते हो तो वहां साइबर कैफे वाला क्या कहता है आपसे, हाँ ये कह रहे हैं कि 25 रुपये प्रति घंटा, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट द रेट, ठीक है, अब मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो वेरी गुड, यहाँ पर मैं कहता साइबर कैफे जब आप जाते हैं तो वो क्या कहता है आपसे, वो क्या कहता है, भैया अपनी आईडी दे दो, आप गिव योर आईडी, आईडी मांग लेता है, और वो नोट कर लेगा, वो साथ में ये भी देख लेगा टाइम भर ले भाई इसका, कौन से सिस्टम पर बैठा है, और अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, दिनेश यादव रुक जाओ, अभी आ रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर कोई व्यक्ति अगर पिस्टल लेके फोटो खिंचवा ले तो उस पर कौन सी धारा लगेगी, होता है ऐसा। अभी किसी व्यक्ति ने, इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने AK-47 लेकर के उसके साथ फोटो खिंचवा ली थी, बाद में उसको प्रोसिक्यूट भी किया गया था, और जिसकी वो पिस्टल थी, मतलब किसी फौजी भाई की थी, वो उसने मजे मजे में खिंचवा ली, बाद में बड़ी पता नहीं उसमें हुआ क्या, बाद में मैं देख नहीं पाया, ये थोड़ा एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा था, तो बुक तो कर ही दिया था कम से कम उसको, आएंगे इस पर भी, दिनेश यादव
हाँ जी, तो साइबर कैफे अभी आएंगे ललित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आएंगे इस पर भी। साइबर कैफे, साइबर कैफे आप गए तो वो आपसे आईडी मांगेगा। कभी आप सिम लेने गए है ना, तो सिम पर भी वो आपसे आईडी मांगेगा, है ना। ये सब जरूरी है। धारा 67C कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आईएसपी से सर्विस लेता है, आईएसपी का मतलब आप लिख लीजिए सभी के सभी, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लीजिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आप इंटरनेट यूज करते हैं उसको प्रोवाइड करने वाला कोई भी जो अथॉरिटी, कोई भी कंपनी है, तो उसको आप कहेंगे आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कोई व्यक्ति सर्विस लेता है, सर्विस किसकी लेगा, डेटा की सर्विस लेगा, है ना। अगर सर्विस लेता है तो सर्विस के बल साथ साथ यहाँ पर जो कंपनी है, इस कंपनी को डॉक्यूमेंट अपने पास रखने पड़ेंगे, कोई जो दस्तावेज है, संबंधित दस्तावेज अपने पास रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। हाँ सर, मैंने छोड़ दिया 67 है, ठीक है। तो धारा 67C ये कहती, जो आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको जो डेटा है साथ में जो डॉक्यूमेंट है वो रिकॉर्ड पर रखना पड़ेगा। अगर वो रिकॉर्ड पर नहीं रखता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर मुकदमा बनेगा, यहाँ पर मुकदमा बनेगा तो प्रोसिक्यूट किया जाएगा, सजा मिलेगी, 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है। धारा 67C ये नहीं बताती कितना फाइन लगेगा, ये कहता फाइन लग सकता है, ठीक है, या फिर फाइन भी लग सकता है और सजा भी हो सकती है, यानी कि दोनों। तो ये 67C यानी कि आईएसपी के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, यहाँ पर डेटा का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, दस्तावेज रखने पड़ेंगे रिकॉर्ड में अपने पास। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, नेट की बात कर रहा हूँ, नेट चला रहे हैं, तो जैसे आप नेट इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर क्या होता है, मोबाइल के साथ में जैसे आप नेट इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपका एक नंबर होता है, उसको आप कहते हैं आईएसपी नंबर। वही बता रहा हूँ आलोक कुमार, में आपका जो मोबाइल का आप डेटा यूज कर रहे हैं, तो हर मोबाइल का अपना एक आईएसपी नंबर होता है, वो आईएसपी नंबर, ठीक है ना, तो वो कंपनी वाले जो है ना अपने पास रखते हैं। बात समझ में आती है? तो ये कहता है ये सब रिकॉर्ड कंपनी वाले को बना करके रखना है, अगर नहीं होता है तो वहां पर, ये बिल्कुल सही कह दिया आपने रोहित, तो यहाँ पर अगर रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, दंड मिलेगा 3 वर्ष तक का, या फिर फाइन लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। धारा 67C, धारा 67C ऐसा कहती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट धारा, अच्छी सी धारा है, धारा 69A, सेक्शन 69A, सुनिए बात। नहीं, कोई क्राइम नहीं है, मल्टीपल सिम कार्ड आप रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिम कार्ड लेना वो संचार की एक तरीकी है, तरीका है, वहां पर क्राइम रिकॉर्ड है या नहीं है डजेंट मैटर, ठीक है, वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर बिना मतलब जाली अगर डॉक्यूमेंट पर सिम कार्ड दे दिया तो अपराध बन जाता है, ये ध्यान रखना। जो आईडी दे रहे हो बिल्कुल सही देनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो अपना सिम, कितने भी ले सकते हो, ठीक है। तो धारा यहाँ पर 69A, सेक्शन 69A कहता है कि कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी प्री जुडिशियल टू, एनी एक्टिविटी प्री जुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, यानी कि कोई भी कार्य, या ऑब्वियसली बात है इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट पर किया गया कोई भी कार्य जिससे देश की संप्रभुता एवं सुरक्षा का खतरा हो, सुरक्षा का खतरा हो, तो उसको केंद्र सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो उसको बंद कर सकती है। कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर कोई ऐप आ गया, जैसे कोई ऐप भारत के अंदर चल रहा है और उस ऐप से भारत की सिक्योरिटी, भारत की सॉवरेंटी को खतरा उत्पन्न होता है, तो उठा करके गवर्नमेंट चाहे तो उससे बैन कर सकती है, या फिर कोई भी जवाब उनसे मांगा जा सकता है। दैट कैन बी डन अंडर 69A। अब जैसे बहुत एक फेमस गेम आता है भारत के अंदर, पबजी,
ये बैन हो गया था, है ना? पबजी सुना होगा आपने? अरे नहीं सुना होगा तो कम से कम देखा तो होगा किसी को खेलते हुए, है ना? पबजी, ये पबजी जो है ना बीच में बैन कर दिया था। आज के टाइम पर पता नहीं बैन है या नहीं, मैंने देखा नहीं। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता, ये आप देख लीजिएगा खुला या नहीं खुला है, लेकिन ये बैन हो गया था। उसका कारण था सरकार ने धारा, अरे हाँ रोहित 1 मिनट बस, इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है क्या? चलिए 1 मिनट। आतिफ कह रहे सर फ्री फायर ट्रेंड में है, गुड 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 मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पबजी जैसे कि इंडिया में बैन हुआ, ठीक है ना, वो चाइना वर्जन था, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, चाइना ने, तो चाइना की जो कंपनी पबजी को ऑपरेट कर रही थी टेंसेंट गेम्स उसने, का। हाँ उसने ये वर्जन उठाया था कोरिया से, ठीक है सर। अब हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं कोरिया वर्जन यूज कर रहे हैं, पर कोरिया वर्जन भी पबजी यहाँ पर नहीं ऑपरेट होता, तो उसके लिए हम लोग एक वीपीएन का यूज करते हैं जो हिडन कर देता है और दूसरे जर्मन के सर्वर या किसी अदर कंट्री के सर्वर के थ्रू हमारे मोबाइल में प्ले होता है, तो क्या ये क्राइम है? ये डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसी क्या है, ठीक है? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर उनको वो लगता है इस प्रकार के किसी भी एक्शन से वो हाँ धोखाधड़ी हो रही है, सिंपल सी बात समझो, इतना निटिग्रिटी में तो हम भी नहीं जाएंगे। अगर इस प्रकार के एक्शन से किसी पॉलिसी को वायलेशन हो रहा है, तो मान लीजिए आप डेटा जो रिवील कर रहे हैं वो गलत तरीके से रिवील कर रहे हैं, या फिर रिवीलिंग कोई ऐसी एक्टिविटी जो देश की हाँ सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करती है, ठीक है, हाँ तो वहां पर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। अभी तो केस बाय केस बेसिस पर डिपेंड करेगा रोहित की एक्चुअल में क्या है ये। नहीं वो तो बात सही है, पर जो सर्च वीपीएन, वीपीएन जो होता है एक ऐसा एप्लीकेशन आता है जो आपके मोबाइल के वीपीएन को हिडन कर देता है, हाँ जी बिल्कुल, तो जो इंडियन पॉलिसीज होती हैं, जो इंडियन कंपनीज होती हैं, वो ये पता नहीं लगा पाती हैं कि किस मोबाइल में ऑपरेट हो रहा है, तो हाइड कर देता है। अच्छा सर एक एक क्वेश्चन और था कि जो हम लोग डाउनलोडिंग करते हैं जैसे मूवीज हो गया या कुछ हो गया, पर ये कहते हैं ये भी बैंड है, ये मतलब अगर आप उसका पे करके नहीं यूज कर डाउनलोडिंग करते हैं तो गलत है, बहुत और सारी अगर चीजें ऐसी होती हैं रोहित इंटरनेट पर। अभी तो अभी शुरुआत है, देखो अभी मैं आऊंगा बाद में इसके ऊपर भी। फॉरेन में ब्लॉक है बिल्कुल, अगर आपने डाउनलोडिंग की तो पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी है तुरंत। हाँ मैं बताता हूँ उसके लिए भी कारण है। इसके लिए कारण बस यही क्वेश्चन था आपका ना, ठीक हाँ है। देखिए यहाँ पर जहां तक आप डाउनलोडिंग की बात करते हैं, तो भारत के अंदर जो भी नेटवर्क है, जो हमारा जो इंफ्रा है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। जहां तक डाउनलोडिंग की आप बात करोगे, डाउनलोडिंग कर रहे हैं बहुत सारी, नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर देयर। आप देखा हो बहुत सी कोई वेब सीरीज आई, अब वेब सीरीज के लिए पैसा पता है आपका, कोई वेब सीरीज आती है तो उसके लिए एक अमाउंट होता है, जैसे आपने कहा पैसा देना पड़ता है, लेकिन पहले से वो लीक हो जाती है। तो ये सब क्या है, लूप होल्स हैं, ये सब लूप होल्स हैं, ठीक है। हाँ जी क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है ये, ठीक है। चलिए ये अपराध है, अपराध की कैटेगरी में आ जाता है ये। तो ये चीज चल रही है, उसका कारण है कि अब थोड़ा सा कुछ कमियां हैं, जैसे जैसे चीजें हमारी इम्प्रूव होंगी हम इन पर भी काम कर पाएंगे। चलिए तो वापस आते हैं अपना 69A की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पबजी जो है बीच में बैन हो गया था, ठीक है जी। तो ये किसके तहत, धारा 69A के तहत, धारा 69A के तहत। अब खास बात ये है, देखो ये पबजी हम तो बैन कर रहे हैं कि ये चाइना का है, कहाँ से वो एक टेंसेंट गेम्स कंपनी है ये जिसको चलाती है, एक वैसी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हमको ये पता होना चाहिए पबजी बैन बहुत सारी कंट्रियों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के अंदर बैन है, कई कंट्रियों में बैन है। जैसे चाइना है, चाइना के अंदर खुद ये बैन है। अब वो सर ये क्या कह रहे हो आप, वहीं की कंपनी वहीं का जो गेम है वहीं पर बैन कर रहा है, बिल्कुल उन्होंने बैन कर रखा है, ग्राउंड अलग अलग है। ये चाइना वाले क्या कहते हैं कि देखो आप जो ये गेम चला रहे हो, इस गेम के अंदर जो ब्लड शेड होता है, जो खून खराबा होता है, वो बहुत ज्यादा है, मतलब खिलाड़ी खून में लपटा पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि समाज पर एक गलत इम्पैक्ट जाता है, सही इम्पैक्ट नहीं जाता। तो कंपनी वाले भी चालाक हैं, बोले ठीक है सर ये सब हम नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम लोग दिखाएंगे लाल ब्लड दिखाएंगे, हम दिखाएंगे ग्रीन ब्लड, हरा खून दिखाएंगे, हम खौफनाक मंजर नहीं होगा, हरा भरा मंजर होगा, व्यक्ति मर जाएगा। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब व्यक्ति मरेगा, खिलाड़ी जब मरेगा, तो
तो वो क्या करेगा, वहां से जो है वो चला जाएगा, फ्लाई ऑफ हो जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा सिंपल से, ठीक है। तो ये कुछ उन्होंने किया था, और साथ में इन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल दिया, इसको नाम रख दिया गेम फॉर पीस, दे रीनेम्ड इट गेम फॉर पीस, गेम ऑफ पीस ऐसे कुछ करके ये इन्होंने कर दिया, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें चलती हैं। तो मैं पबजी वाला आपसे कहा था, मैं पबजी वाले को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक को, तो वो यहाँ पर 69A के तहत हम लोग इसको देख सकते हैं। समझ में आती है भाई बात? तो ये सेक्शन 69A हो जाता है। नेक्स्ट, नहीं हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट के तहत नहीं आएगा, नहीं। वहां पर याद करो, वहां पर एक खास कैटेगरी को हम लेके चल रहे थे, व्यक्ति को लेकर के चल रहे थे जिसकी उम्र 20 बरस तक है, याद करो, ठीक है। पनिशमेंट कुछ नहीं है इसके अंदर, पूरा पनिशमेंट दे तो दिया ग्रीस उठाकर, तो पूरा पूरा जो एप ही खत्म कर दिया गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये तो पूरा पूरा एक्ट ही हमने खत्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट, धारा 69A के बाद अब देखो, अब आते हैं जो आज का बर्निंग इशू है। टाइम है हमारे पास में? चलिए, टाइम तो है बहुत है। आज का बर्निंग इशू, और आज का बर्निंग इशू क्या है रोहित, अभी कुछ दिनों पहले हम लोग सुन रहे थे कि व्हाट्सएप बैन हो रहा है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही थी सुनने को। उसका कारण क्या था? उसका कारण एक छोटी सी चीज थी कि देखिए, इसी अधिनियम की धारा, यही अधिनियम का जो धारा है सेक्शन 87, सेक्शन 87 कहता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट इस पर नियम बना सकती है, आईटी रूल्स लेकर के आ सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो अधिनियम के तहत वो आईटी रूल्स लेकर के आ सकती है, जैसा भी उनको उचित लगता है, समय को देखते हुए, नीड को देखते हुए आईटी रूल्स ला सकती है। गवर्नमेंट लेकर के आई, सबसे पहले गवर्नमेंट सन 2011 में आईटी रूल्स लेकर के, पुराने रूल्स आईटी रूल्स 2011 वाले चल रहे। बाद में सन 2021 में, अभी फेब 2021 में गवर्नमेंट जो है न्यू आईटी रूल्स, न्यू आईटी रूल्स, हिंदी वाले बच्चे याद रखना, नए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नए आईटी रूल्स लेकर के आई। जब नए आईटी रूल लेकर के आए तो क्वेश्चन ये था, बहुत सारी समस्याएं इसके अंदर देखने को मिली। गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई आप ये नए रूल क्यों लेकर के आए, थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। तो गवर्नमेंट ने कहा, देखो आज के टाइम पर जो हमारा डिजिटल इंडिया है, अभी डिजिटल इंडिया पहले जैसा नहीं है कि कुछ 1,000 यूजर हैं, कुछ 1 लाख यूजर हैं। इसका जब आप ड्राफ्ट पढ़ोगे अधिनियम का, ये जो नए रूल आए हैं, अगर इसका आप ड्राफ्ट पढ़ोगे तो वहां पर गवर्नमेंट ने डेटा भी दिया है। गवर्नमेंट कहती है कि जो नया डिजिटल इंडिया है, यहाँ पर जो हमारा भारतीय व्यक्ति है, जो भारत के अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं, उसकी जो एक्सेस है काम पर, इंटरनेट पर बहुत अच्छी खासी एक्सेस है। पहले तो हर बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन थे, आज के टाइम हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, तो बोले इंटरनेट तक एक्सेस बहुत अच्छे से है। और फिर उन्होंने एक डेटा दिया कि भारत के अंदर जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं, उन्होंने कहा कि 53 करोड़ लोग, ये गवर्नमेंट का डेटा मेरा नहीं है भाई, गवर्नमेंट कहती है कि 53 करोड़ लोग, लगभग 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। यूट्यूब की बात करें तो 44.8 करोड़ लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। FB की बात करें तो 41 करोड़ लोग FB इस्तेमाल करते हैं। इंस्टा की बात करें तो 21 करोड़ के आसपास इंस्टा इस्तेमाल करते हैं, और बाकी ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के लगभग 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ट्विटर यूज करते हैं, बाकी बहुत सारे हैं, टेलीग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डेटा दिया। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो, हमारा जो डिजिटल इंडिया है वो पहले जैसा नहीं है, बहुत वाइड लेवल पर, बड़े पैमाने पर हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ मनु बहुत सही कह रहे हो आप। चलिए, तो ये बहुत बड़े लेवल पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तो कोई गलत बात नहीं है, दिक्कत कहाँ आ जाती है? सरकार ये कहती है, देखो दिक्कत तब आती है जब यहाँ पर कोई फेक न्यूज चलती है, लेना देना कुछ नहीं, फेक न्यूज बनाई और उसको सर्कुलेट कर दिया, और इस फेक न्यूज की वजह से कुछ जो निष्क्रिय टाइप के लोग हैं, यानी कि जो एंटी सोशल
एंटी सोशल असामाजिक और एंटी नेशनल। वैसे एंटी नेशनल बड़ा भारी शब्द में कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो सरकार कह रही है वही मैं कह रहा हूँ। फेक न्यूज चलाई और फेक न्यूज के दम पर एंटी सोशल एंटी नेशनल इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो देश के अंदर गलत प्रकार का एनवायरनमेंट खड़ा करते हैं और कई बार कम्युनल हार्मनी जो होती है यानी कि समाज के अंदर जो आपस में वर्ग इकट्ठे होकर के रहते हैं उनके अंदर दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। जैसे कि भारत के अंदर आप बात करें चाहे केरला के दंगे हो चाहे दिल्ली के अंदर रिसेंट में 2019 के दंगे हों तो बहुत सारी घटनाएं देखने को भारत के अंदर मिलती हैं। अब ये मैं नहीं कहूँगा कौन करता है, ठीक है भाई, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट। हम लोग गवर्नमेंट को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, वी कैन नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, याद रखना इस बात। तो अनटिल अनलेस हमारे पास कोई खास सबूत नहीं है तो वी कैन नॉट रेज दैट। और आजकल माहौल थोड़ा दूसरा चलता है भाई, ठीक है, हाँ बाबाओं का माहौल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि इस प्रकार की फेक न्यूज हो गई जिसकी वजह से एंटी सोशल एंटी नेशनल जो एलिमेंट होते हैं वो खराब स्थिति उत्पन्न करते हैं और वहां पर बहुत सारी समस्याएं देश को देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने ये बात की, सरकार ने ये बात कही, सरकार कह रही है ऐसा, मैं नहीं कह रहा। इसके साथ साथ एक सरकार ने एक केस का यहाँ पर जिक्र किया, प्रज्वला केस 2018। प्रज्वला केस 2018 चानू शर्मा आपका तो माइक का ऑप्शन नहीं, भाई माइक तो लगाओ अपना। चानू आपने हैंड रेज किया है, आपके पास माइक नहीं है क्या? हाँ अब आया आपका, चलिए बताऊं कुछ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है ना, हमने पूरा आईटी एक्ट पढ़ लिया, एवरीथिंग इज ओके, बट यहाँ पर हमने यू हैव नॉट मेंशन अबाउट प्रिवेसी, राइट, कि प्रिवेसी का जो इशू है आईटी एक्ट में। और दूसरा जो अभी आप डिस्कस कर रहे हो, जैसे लाइक जो गवर्नमेंट ने बोला ट्विटर को कि यू नो यू हैव टू हैव अ ग्रीवेंस ऑफिसर एंड अदर सॉर्ट ऑफ स्टफ्स, तो इसमें भी तो प्रिवेसी का इशू था कि फेसबुक से डेटा लीक हो रहा था एंड ट्विटर से भी हो रहा अभी था। तो मैं इस पर आऊंगा ना, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है नया नॉर्म्स क्या है, अभी तो मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट क्यों लेकर के आई। जो न्यू नॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट कह रही है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, क्या इश्यूज के ऊपर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ओके, तो सर जैसे अगर मेरा डेटा ब्रीच होगा तो उसमें सपोज अ थर्ड पार्टी और उसने मेरा डेटा ब्रीच किया है, अभी अभी आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, यू विल गेट द आंसर इन ड्यू कोर्स। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहां पर एक केस हुआ था भारत के अंदर, प्रज्वला केस 2018, और इस केस के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था गवर्नमेंट से, देखिए बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बहुत सारा मटेरियल जुड़ा है, साथ में रेप से जुड़ा हुआ मटेरियल भी है, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस ऑन वेरियस साइट्स, ये अवेलेबल है। इसके साथ साथ रेप, गैंग रेप इत्यादि में ज्यादा लिखना नहीं चाहता, आप समझ जाएंगे इवेंचुअली, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, रेप हो गया, इस प्रकार का बहुत सारा डेटा है, ठीक है भाई, तो इस प्रकार का बहुत सारा डेटा है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आप क्या करें, इस डेटा को एलिमिनेट करें, यानी कि इसको आप खत्म करें, ये डेटा खत्म होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट को ये भी आदेश मिला था कि आप इसके संबंध में क्या कर रहे हैं
पूरे सिनेरियो के संबंध में आप क्या कर रहे हैं। आप एक गाइडलाइन हम आपको देते हैं, एक डेट हम आपको देते हैं, कुछ डेट उन्होंने बताई थी कि इस डेट तक आप अपने न्यू फॉर्म जो भी आप रूल लेकर के आना चाहते हैं वो हमको बताइए, यानी कि आप इस पर जो एक्शन लेंगे वो भी हमको बताइए और एक्शन आपको लेना है गवर्नमेंट को, इसमें इन्होंने कहा। इसके साथ साथ एक केस और था बच्चों, जो यहाँ पर ये जो केस है प्रज्वला केस, इसको ध्यान रख लेना भाई, इसको स्टार लगा लो। कारण क्या है, जो नया आईटी रूल आया है वहां पर गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में इसको मेंशन किया है। आप जो नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, न्यू आईटी रूल जब पढ़ेंगे, तो वहां पर उसके अंदर ये जो केस है गवर्नमेंट ने मेंशन किया। जब गवर्नमेंट ने मेंशन किया इट मींस कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली फॉर यूपीएसआई, जो बच्चे आगे यूपीएससी देंगे अपना पीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रज्वला केस। ठीक है भाई, तो ये गवर्नमेंट ने कोट किया है। इसके अलावा एक और से मिलता जुलता केस है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक केस आया था तहसीन एस पूनावाला केस, तहसीन एस पूनावाला केस, तहसीन एस पूनावाला जो केस है, यहाँ पर जुडिशरी कहती है, यहाँ पर न्यायपालिका कहती है कि बहुत सारा मटेरियल सोशल मीडिया पर ऐसा है, सोशल मीडिया पर बहुत सा मटेरियल ऐसा है, बहुत सा सामग्री ऐसी है जो किसी ना किसी प्रकार से भड़काऊ है, गलत है ना, भड़काऊ है, गलत है, इरेशनल है, और इसकी वजह से होता क्या है। हाँ, पॉक्सो भी कवर करता है नुपुर सरोज, पॉक्सो भी कवर करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आईटी से जुड़ा हुआ एक फैक्टर एस्पेक्ट, तो इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जुडिशरी क्या कहती है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी सामग्री ऐसी है जो भड़काऊ है, गलत है, और जिसकी वजह से जो हमारा जो सामाजिक क्रम है वहाँ पर हमको मॉब वायलेंस, यानी कि भीड़ के द्वारा हिंसा करना, जैसा अभी मैंने आपको दिल्ली हिंसा का एग्जांपल, दिल्ली के अंदर दंगा हुआ था उसका एग्जांपल दिया है ना, तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जुडिशरी कहते हैं कि आप इसके संबंध में कुछ कीजिए। न्यायपालिका यहाँ पर भी कहती है ये जो भड़काऊ मटीरियल है आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, आप बैठे रहते हो, देखते रहते हो, सामने दंगे हो जाते हैं, हजारों लाखों लोग मर जाते, हजारों लोग मर जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, पूरा सोशल ऑर्डर बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ कीजिए, कोई नई गाइडलाइंस आप लेकर के आइए। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट कहता है और पुनः प्रज्वला केस के अंदर भी कहता है, दोनों केस के अंदर कहता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जब प्रज्वला केस आया, इसके बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी सेटअप की थी राज्यसभा के अंदर, उसने भी कहा था कि पोर्नोग्राफिक मटीरियल हटा दो। तो पोर्न आपने देखा था बीच में कि वो पोर्न मटीरियल जो बिल्कुल गायब कर दिया था एकदम, आज के टाइम पर वो कैसे ओपन हो रहा है वो मैं देखूंगा एक बार कि मतलब गवर्नमेंट ने इसकी कोई रिलैक्सेशन दी है क्या, आज के टाइम पर अवेलेबल है, तो बीच में बिल्कुल बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये प्रज्वला केस और तहसीन एस पूनावाला केस के संबंध में। इसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट अब क्या करती है, ये तो गवर्नमेंट ने दिया कारण कि देखो हम क्यों लेकर के आए, आप समझ रहे हैं, ये कारण दिया गवर्नमेंट ने कि हम नए आईटी रूल क्यों लेकर के आए। पहला कारण क्या दिया है कि जो हमारा जो डिजिटल इंडिया है वो पैन डिजिटल इंडिया है, पैन डिजिटल इंडिया का मतलब सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है और यहाँ पर इतने इतने यूजर उन्होंने डेटा दे दिया उठाकर। जी मनु करदम कह रहे हैं सर 18 प्लस पूछता है, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये क्लॉज दी गई है, अभी आएंगे इस पर, चलो बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा यहाँ पर कारण दिया है कि फेक न्यूज, एंटी सोशल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलती है बाई दीज मैसेज, और साथ में ये प्रज्वला केस को कोट करके कहा देखो यहाँ पर जुडिशरी ने भी हमसे कहा कि हम नए आई टी रूल लेकर के आए। अब गवर्नमेंट क्या करती है, नए आई टी रूल लेकर के आती है। अब जब गवर्नमेंट नए आई टी रूल लेकर के आती है तो यहाँ पर अंकुश पाठक क्या करते हैं, ये नए आई टी रूल में यहाँ पर गवर्नमेंट करती है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अभी इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसी चलेगा भाई, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया ही कहेंगे, तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट क्या करती है, इसको डिवाइड करती है दो भागों में, दो भागों में।
पहला कहती है कि जो पहली कैटेगरी होगी उसको हम कहेंगे क्या, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। पहले जो कैटेगरी है उसको गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम कहेंगे इसको सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और दूसरी जो होगी उसको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। पहले सुन लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी का क्या मतलब है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाटएवर जो भी हम देख रहे थे, ये सब क्या है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। न्यू आईटी रूल में गवर्नमेंट इसको दो पार्टों में बांटती है, कोई भी अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है वो इस कैटेगरी में आती है, लेकिन जैसे ही इसके यूजर 50 लाख को क्रॉस कर जाते हैं, किसी भी ऐप के यूजर, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट के यूजर अगर 50 लाख इस मार्क को क्रॉस कर जाते हैं, तो उसको हम कहाँ पर रखेंगे, गवर्नमेंट कहती है उसको हम रखेंगे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट के अंदर, सिग्निफिकेंट SMI की कैटेगरी में हम रखेंगे। ये दो कैटेगरी उन्होंने बनाई। दो कैटेगरी बनाने का कारण क्या था, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि नए सेट ऑफ रूल्स लेकर के आएंगे, और जो नए सेट ऑफ रूल्स हैं वो इन सब पर लागू होंगे। किस पर, इन दोनों कैटेगरी पर वाले, दोनों कैटेगरी पर वो न्यू सेट ऑफ रूल्स लागू होंगे। लेकिन ये जो सेकंड वाले हैं ना, जो सिग्निफिकेंट SMI है, इन सिग्निफिकेंट SMI के लिए कहा गया कि आपको कुछ एडिशनल काम भी करना है, आपके लिए कुछ एडिशनल गाइडलाइंस भी हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इस आधार पर इन्होंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब गाइडलाइंस क्या दिए बच्चों, गाइडलाइंस इन्होंने दिए सभी के लिए, फॉर ऑल जो गाइडलाइंस है, यानी कि कोई भी अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है तो उसको पहली गाइडलाइंस क्या है, उनको कहा गया है कि यू विल फॉलो ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब है, हिंदी वाले बच्चे अपने शब्दों में लिखो जरा, ड्यू डिलीजेंस का मतलब है सरकार कहती है कि जो भी हम कानून लेकर के आएंगे, जो भी हम रूल लेकर के आएंगे किसके संबंध में, SMI के संबंध में, आप उसको पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करोगे। पहला रूल क्या है, ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब भी सरकार SMI के संबंध में कोई नियम लेकर के आएगी, कोई कानून लेकर के आएगी, तो हर कंपनी उसको फॉलो करेगी, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो आपका इंस्टा है, चाहे पर वो कोई और कंपनी है, चाहे वो टेलीग्राम ही क्यों ना हो, ठीक है ना, हर कोई इसको फॉलो करेगा। तो ड्यू डिलीजेंस इसका पहला प्रिंसिपल उन्होंने दिया। दूसरा इन्होंने कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लेकर के आना है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि हिंदी वाले बच्चे लिखो शिकायत निवारण व्यवस्था लेकर के आएंगे। इसका मतलब क्या, सर लिख लीजिए, दूसरा क्या है, शिकायत निवारण व्यवस्था लेकर बनाएंगे, यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा, कोई यूजर है, जैसे हमको उसने कहा कि सर मेरा डेटा किसी ने लीक कर दिया, या फिर किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कि मेरा फोटो लगा, आपका किसी का फोटो लेकर के किसी थर्ड व्यक्ति ने ID बना दी, और ID बना करके वो आपका काम कर रहा है, या आपको लगता है मेरा जो डेटा है वो लीक हो गया कहीं ना इसी तरीके से, ऑन द पार्ट ऑफ ऐप की तरफ से, कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पर जो यूजर्स हैं, जो उपयोग करने वाले हैं इस ऐप को, दे कैन कंप्लेन, वो कंप्लेंट करें और कंप्लेंट को रिजोल्व किया जाए, ये कहा गया है कि इसमें सेकेंड रूल में, ये सबको फॉलो करना है, चाहे वो छोटा SMI है, चाहे बड़ा SMI है। तीसरा यहाँ पर कहा गया है, तीसरा इनसे कहा गया है कि आपको जो अपने ग्राहक हैं, जो आपके यूजर्स हैं, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, सेफ्टी का भी और डिग्निटी का भी। सेफ्टी का मतलब समझ रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई डेटा उनका लीक ना हो जाए, उनकी सुरक्षा का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और उनका डिग्निटी यानी कि आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है, यानी कि आपके ऐप से ऐसा ना हो कि आपके ऐप के थ्रू उनका मोबाइल हैक हो जाए और वहां से कोई डेटा, उनका जो प्राइवेट डेटा है वो निकल करके आ जाए। तो वो तीसरा पॉइंट दिया कि सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और साथ में डिग्निटी का भी, आत्मसम्मान का भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ और क्या कहता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी आप मतलब कंपनी से क्या कहा गया है कि आपका यूजर अगर आपके पास आता है तो आप उससे क्या करेंगे, उससे वॉलंटरी वेरिफिकेशन की बात करेंगे, कंपलसरी नहीं,
वॉलंटरी वेरिफिकेशन, जैसे कि आपने कोई व्हाट्सएप अकाउंट बनाया, तो व्हाट्सएप बिना नंबर के नहीं होता है। बहुत सी ऐप ऐसी चलती है इंटरनेट पर जिसमें किसी आईडी की आवश्यकता नहीं पड़ती, यू नो इट। तो ये कहता है कि जब भी कोई आपके पास आया तो आप क्या करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करवाएंगे वॉलंटरी बेसिस पर, यानी कि स्वेच्छा पर। अगर यूजर यूज करना चाहता है तो आप उससे पूछेंगे कि आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, वेरिफिकेशन चाहते हैं, तो वेरिफिकेशन जिस भी थ्रू से हो सकता है, मोबाइल नंबर या किसी भी तरीके से आप वेरीफाई करवाइए उससे। और वेरीफाई होने के बाद वहां पर जो वेरिफिकेशन का साइन है, वेरिफिकेशन का साइन, जो वेरीफाइड अकाउंट होगा उसके ऊपर वेरिफिकेशन का साइन भी आता है। वेरिफिकेशन साइन क्या होता है, जैसे कोई ब्लू टिक मार्क आ गया, ट्विटर वगैरह पे आपने देखा होगा ब्लू टिक मार्क है ना, इंस्टा पर भी आपने देखा होगा, तो टिक मार्क के थ्रू आप बताएंगे दिस अकाउंट इज ब्लू टिक, तो दिस अकाउंट इज वेरीफाइड। तो जो वेरीफाइड अकाउंट है उनके लिए वेरिफिकेशन का साइन देना पड़ेगा। ये चौथा पॉइंट, चौथा रूल इनके लिए दिया गया। उसके बाद है नेक्स्ट, कहता है जो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, ये कंट्रोवर्शियल है, ध्यान सुनेगा। हाँ वो हो गया था, वो हो जाती चीजें। नेक्स्ट है यहां पर क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि जो अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है, जो गैर कानूनी सूचना है, उसको आप क्या करेंगे, आप उसको क्या करेंगे, कंपनी उसको रिमूव करेगी, उसको हटा देगी। जो अनलॉफुल इंफॉर्मेशन है उसको कंपनी हटा देगी, रिमूव कर देगी। अब कौन सी इंफॉर्मेशन अनलॉफुल है भाई, ये कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पर कहती है गवर्नमेंट आपको बताएगी, गवर्नमेंट की एजेंसी आपको बताएंगी, यानी ऐप को गवर्नमेंट की एजेंसी बताएंगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन अनलॉफुल है। तो उस अनलॉफुल इंफॉर्मेशन को, जो गैर कानूनी सूचना है, उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा, उसको वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एक बात और कही थी कि ये फेब में ये आया था नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर ये आ गया था आने वाले 3 महीने तक आपको पूरी तैयारी कर लेनी है और उसके बाद ये लागू हो जाएगा। ये 5-6 गाइडलाइंस जो है सभी के लिए थी, फॉर ऑल। लेकिन जो मैंने कहा था ना अभी आपसे, यहाँ पर 2 कैटेगरी बनाई थी, है ना, एक नॉर्मल SMI और दूसरा सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट में किसको रखा था, सिग्निफिकेंट में उनको रखा था जिनके यूजर 50 लाख से ज्यादा हैं। तो जिनके यूजर 50 लाख से ज्यादा हैं, यानी कि जो सिग्निफिकेंट SMI हैं, उन सिग्निफिकेंट SMI के लिए यहाँ पर कुछ और भी गाइडलाइंस थी। और वो क्या गाइडलाइंस थी बच्चों, यहाँ पर क्या गाइडलाइंस दी उन्होंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, 4-5 गाइडलाइंस हैं। उन्होंने कहा कि आपको कुछ अपॉइंटमेंट करनी है, आपको कुछ अपॉइंटमेंट अपनी कंपनी के अंदर करनी है। जैसे कि सबसे पहली अपॉइंटमेंट होगी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या होगा, ये चीफ, एक सेकेंड रीता, फिर टाइम नहीं बचेगा, मैं थोड़ा सा कल की क्लास जब स्टार्ट होगी तो वहां पर कर दूंगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर आ जाए एक बार, सिग्निफिकेंट SMI, या फिर रिकॉल कर देता हूँ फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो अब तक हमने किया उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि समय नहीं बचेगा, अभी मुझे चाहिएगा इसके लिए कम से कम आधा घंटा। चलिए देख लीजिए, तो मैं आपसे कह रहा था बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमसे रिपीट कर दो, लेट मी रिकॉल दैट। तो मैं यहाँ पर आपसे कह रहा था कि धारा 87 सेक्शन 87 के तहत गवर्नमेंट चाहे तो IT रूल्स लेकर के आ सकती है। 2011 में लेकर के आई, बाद में जरूरत पड़ी तो 2021 में हमने इसको चेंज किया, फरवरी में अभी हम नए IT रूल्स लेकर के आए। सरकार क्या कहती है, हमको नए IT रूल लाने पड़े। क्यों लाने पड़े, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, जो डिजिटल इंडिया है, वो पैन डिजिटल इंडिया बन गया है। इसका मतलब क्या है कि लगभग देश के हर व्यक्ति के पास, देश के हर व्यक्ति के पास इंटरनेट एक्सेस है, और वहाँ पर सरकार ने अपना डेटा दिया कि देखो इतने इतने लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, एंटी सोशल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल एक्टिविटी चलती रहती हैं, तो इसलिए भी हमको ये लेकर के आना पड़ा। और तीसरा, यहाँ पर सरकार कहती है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, प्रज्वला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, रेप है, गैंग रेप है, इससे जुड़ा हुआ जो डेटा है वो आपको तुरंत हटाना है, और हटा करके नई गाइडलाइंस लेकर के आनी है ताकि ये डेटा इंटरनेट पर ना बचे।
तो आपको नई गाइडलाइंस लेकर के आनी है, तो इसलिए भी हम नई गाइडलाइन लेकर के आए। फिर यहाँ पर एक मैंने आपको बता दी अपनी तरफ से, तहसीन पूनावाला केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा था कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी सामग्री जो भड़का हुआ है, जो गलत है, जिसकी वजह से भीड़ के अंदर हिंसा, लिंचिंग इत्यादि बहुत सारी कहानियां देखने को मिलती है। तो ये तहसीन पूनावाला केस में कहा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट नई गाइडलाइंस लेकर के आई, और जब नई गाइडलाइंस लेकर के आई तो जितनी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनको दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बच्चे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, वो ऐप या वो इंटरमीडियरी जिनका जो यूजर है वो 50 लाख से पार कर जाता है, जैसे कि फेसबुक इत्यादि मिलियंस में यहाँ पर इनके यूजर्स हैं भारत के अंदर, ठीक है ना, करोड़ों की बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है जी, तो यहाँ पर भाई क्या है ये कहानी कि ये बना दिया सिग्निफिकेंट SMI और ये हो गया सोशल मीडिया, यानी कि ये सिंपल SMI। अब ये क्यों डिवाइड किया गया, ये इसलिए डिवाइड किया गया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और वो रूल्स सब पर लागू होंगे, लेकिन जो सिग्निफिकेंट SMI हैं जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा है वो क्या करेंगे, उनके लिए एक्सटर्नल एडिशनल रूल्स हैं, वो एडिशनल रूल्स को भी फॉलो करेंगे। ये यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी न्यू गाइडलाइंस में कहा। और न्यू गाइडलाइंस में क्या कहा, सबसे पहले कहा ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि जब भी गवर्नमेंट कोई या गवर्नमेंट एजेंसी कोई नया रूल लेकर के आती है तो सभी उसको कंप्लायंस करेंगे, यानी कि उसको फॉलो करेंगे, ये जरूरी है, शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे। दूसरा है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि अगर यूजर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत का सभी को निवारण करना, ऐसा नहीं कि उसने शिकायत कर दी उसके बाद कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा। तीसरा वाला है सेफ्टी एंड डिग्निटी, यानी कि जो हमारा यूजर है, आपका जो यूजर है, उस ऐप यूजर की सेफ्टी और डिग्निटी का भी ध्यान रखना है। और चौथा वॉलंटरी वेरिफिकेशन। वॉलंटरी वेरिफिकेशन का मतलब है कि अगर यूजर आपकी ऐप पर आता है, एप्लीकेशन पर आता है, आपके प्लेटफॉर्म पर आता है, तो वहां पर आप उससे वॉलंटरीली वेरिफिकेशन के लिए कहेंगे, ये नहीं कंपलसरी, फोर्स नहीं करना उसको, वॉलंटरीली आप यानी स्वेच्छा से वो चाहे तो अपने आप को वेरीफाई कर सकता है। और जैसे ही वो वेरीफाई होगा तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन का साइन करना पड़ेगा, जैसे ब्लू टिक इत्यादि कुछ ना कुछ ऐसा साइन आपको देना पड़ेगा। पांचवा वाला उसने कहा कि कुछ एक अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है, गैर कानूनी सूचना है, जो आपको हटानी पड़ेगी। कौन कहेगा, गवर्नमेंट कहेगी, तो आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद सिग्निफिकेंट SMI है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस थी। जैसे पहला मैंने आपको बताया कुछ एक अपॉइंटमेंट करनी है, जैसे कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, ये अपॉइंट करना है। बात समझ में आती है जी? तो ये कुछ चीजें हैं हमको IT रूल के संबंध में। अभी ये पूरा नहीं हुआ भाई, अभी साइबर क्राइम ने पूरा नहीं किया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही, बच्चे भी थक गए होंगे और वैसे भी आपकी नेक्स्ट क्लास है और मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, 11 बज गया है, ठीक है भाई? तो इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता कुछ कि मैं मॉर्निंग की क्लास लूँ या फिर 11:30 का सेशन, ये डिपेंड करता है पूरे शेड्यूल के ऊपर, जो पूरा शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, क्योंकि अभी हम इस पर IT एक्ट पर ही चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के यहाँ पर आए थे, वो AK-47 वाला क्वेश्चन भी याद है, मैं पूछूंगा, डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है भाई? चलिए, तो थैंक यू सो मच। अभी यूट्यूब वाली क्लास का शेड्यूल नहीं है भाई, बच्चे कह रहे सर यूट्यूब पर क्लास कब होगी, अभी शेड्यूल नहीं है यूट्यूब का, अभी हम लोग यहीं सेशन में मिलेंगे, होंगे वो रिज्यूम हो जाएंगे जल्दी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक फॉर व्हाट, फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।